secondary school playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhra, Madwaadi, Darsa, Shomaid branches in Varanasi. वैसे कह रहा हूँ बटली नहीं और इधर सर इधर 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 से रुको रुको शोभत की उस्ताद डॉक्टर शफी अवेरू से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमारे डीन और सदस्यों का प्रोफेसर शशि देवी साहिबा को सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। बहुत जरूरी उस बसत एहतराम करता हूँ, बसत खुलूस बसत एहतराम करता हूँ, अहले महफिल को पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तलबा तालिबात, असातिज़ा और तमाम काशी विद्यापीठ के दीगर शोबे से आए हुए तमाम असातिज़ा, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। से शुरू नहीं हो पाया उसकी वजह थी हमारे जो मुखिया हैं, जो बीसी साहब हैं, वो अभी कहीं खास कोई अहम सरकारी वो जिम्मेदार है और उनकी आमद भी जरूरी है, उनकी जिम्मेदारी है, वो आएंगे आज जिससे हम लुत्फानंदोज हो सके, कुछ हासिल कर सके, कुछ फायदा उठा सके। प्रोग्राम के जमाने खसूसी और हमारे मुकर्रिर खसूसी की जो तासुरात हैं, जो उनके एहसासात हैं, जो उनके सामने आए और हमारे तमाम जो मेहमान तशरीफ फरमा हैं, सब लोग बिल्कुल मुकम्मल तैयार हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ है वो अपनी निजी मजबूरी नहीं है, वो यहाँ बिल्कुल हमारे यूनिवर्सिटी की मजबूरी है। बहरहाल अब इस प्रोग्राम का आगाज मैं बाजाबता तौर पर हमारे यहाँ के जो रस्म रवाज बाबा कौम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तो बगैर प्रोग्राम करना ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। और शिव प्रसाद गुप्त जी हमारे जो हैं, इनकी जमीन है, इन्होंने काफी कुर्बानियां दी है, तो बगैर दोनों को याद किए हुए अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो उनकी हक तलफी होगी। उनके साथ चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाए। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा हमारे इस बात का माननीय की सरकार की जो डीन है और हमारे खास करके शोबा उर्दू की इस वक्त हेड है, सदर शोबा है प्रोफेसर शशि मेडम साहिबा, उनसे गुजारिश करता हूँ, उनसे उनके ऊपर प्रोग्राम का आगाज होगा। मैं बताए इल्म का चराग जले, ये अदब गाह है, इल्म है, अंधेरे में है, ये समय इल्म जलाया जाता है। इल्मी प्रोग्राम में समय इल्म जलाकर Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. मैं डॉक्टर मोहम्मद निजामुद्दीन, उर्दू डिपार्टमेंट, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। कार्यक्रम है क्या उद्देश्य? आज कार्यक्रम एक लेक्चर है और ख़ास लेक्चर है। ये आगा हश्र मेमोरियल लेक्चर के नाम से प्रोग्राम होता है और कौमी काउंसिल के ताउन से प्रोग्राम होता है और इसका मौजू है, इसका उन्वान है अफसानवी अदब की असली मानवियत, यानी जो कहानियाँ हैं उन कहानियों का जो है महत्व क्या है इस मौजूदा समय में। और चूँकि अब ये अफसाना, ड्रामा, नावल ये सब कोर्स में पढ़ाया जाता है, तो हम लोग इस सब प्रोग्राम रखते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को मालूमात हो जाए, उस पर लेक्चर हो तो बच्चों की जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, इजाफा हो जाए, मालूमात में बच्चों के हो जाए, बच्चों के आगे के लिए, उसके भविष्य के लिए वो एक बेहतर रहे, इसलिए प्रोग्राम कराया जाता है। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? लोग आए हैं इसमें, जो मेन आदमी लेक्चर देंगे हमारे मुख्य वक्ता, वो आए हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उर्दू विभाग के पूर्व अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष रहे प्रोफेसर सगीर अफराहिम साहब। उनकी एक बड़ी शख्सियत है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, अफसाने बहुत कुछ लिखे हैं और इसी अफसाने पर इनका आज लेक्चर हो गया यहाँ पे। तो और काशी इसमें जो स्टूडेंट है क्या विद्यापीठ के भी और भी कहीं और विद्यापीठ के अधिकतर ज़्यादातर है। आप कुछ लोग और बाहर से लड़के आए हैं, बस थोड़े बहुत आए हैं, और भी बाहर से और विद्यापीठ के दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, टीचर लोग आए हैं, स्टूडेंट भी हैं। क्या दिन चले गए ये? बस सिर्फ एक दिन का लेक्चर होता है, ये वन डे लेक्चर है। ये डॉक्टर याकूब यावर साहब जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो काशी क्या विश्वविद्यालय BHU के पहले के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पूर्व, वो जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, और हमारे वाइस चांसलर जो TN सिंह साहब हैं उनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हो रहा है। और हमारे जो डीन साहिबा हैं इस वक्त प्रोफेसर शशि देवी सिंह साहिबा, इस वक्त हमारे डीन हैं और हमारे यहाँ के हेड भी हैं, तो वो इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। और मैं एक खादिम की तरह से खिदमत कर रहा हूँ उर्दू डिपार्टमेंट में होने की वजह से, एक टीचर होने की वजह से जो मेरी जिम्मेदारी मैं निभा